ठीक है, तो ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ मनी, वॉज अक्यूज ऑफ मर्डर, ही रियली डिफरेंट फ्रॉम, रेफरेंट फ्रॉम, एब्सटेंट फ्रॉम, देख लें, ये देख लें आप, ये सारा मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद होते हैं ही हैज बीन डाइड, तो ही हैज बीन जो डाइड है ना, ये सेंटेंस गलत है, कभी भी ये दोनों सेंटेंस गलत है। ही हैज बीन डाइड और ही हैज डाइड, कभी भी डाइड के साथ आप ये जो हैज बीन लफ्ज है ना, ये कभी भी इस्तेमाल मत करना, ये बात समझ जाएं, कभी भी। हाँ, इस तरह हो सकता है ही हैज बीन किल्ड, ये सही है, उसको मारा गया है। ही हैज बीन मर्डर्ड, इस तरह आप लगा सकते हैं, उसको मारा गया है, लेकिन ही हैज बीन डाइड नहीं आएगा। ही हैज बीन असासिनेटेड, असासिनेटेड भी मारना है, लेकिन पॉलिटिकल मर्डर, सियासी तौर पर अगर आप मारा जाए किसी को तो असासिन। देखिए, जब बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ तो वहां पे लिखा आपको मिलेगा अखबारों में, बीबी वाज, यहाँ पे ऑप्शंस आएगा, वाज किल्ड, मर्डर्ड, असासिनेटेड, कौन सा सही है, समझे ना आप, मेरे ख्याल में समझ आ रहा है सब लोगों को, नहीं आ रहा, चले, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दी हैजंट बीन अरेस्टेड येट, असासिनेटर, असासिनेटर, कौन सा सही है, शाबाश, अब देखिए यही मसला है, 99% जो बच्चे हैं ना, 99% बच्चों को ये नहीं आता, 99, तो जो सही जवाब है वो ये वाला है, ये वाला सही है, ठीक है, नहीं बेटा पहले वाला नहीं है, ये है लास्ट वाला है, तो सही जवाब आपका ये असासिन है, असासिनेटर कोई लफ्ज नहीं है भाई, ठीक है ना, तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं, हाउ टू फाइंड एन एरर, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि गलती किस तरह पकड़नी है, तो असासिन होगा, असासिनेटर नहीं होगा, और पेपर में यही क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। चलें, अब यहां पे आते हैं, यहां मैंने लिखा है डेड, डेथ और डाइड, डेड, डेथ और डाइड, अब तीनों में फर्क है, लेकिन मैं अगर आपको कहता हूं कि एक सेंटेंस बनाएं, तो सेंटेंस नहीं आता बच्चों को, कि डेड को इस्तेमाल करें, हाउ टू यूज, हाउ टू यूज डेड, तो 90% बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, डेड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारा सेंटेंस होगा ही इज डेड, ही वाज डेड, फिर हम कहते हैं ही डाइड, He was died होगा, he was died, नहीं ये गलत सेंटेंस है, he was died नहीं होता, ये होगा आपका he was dead, ठीक है, death is inevitable, death is inevitable, तो death, died, dead, क्लियर हो गया मेरे ख्याल में, चलें आगे चलते हैं। फिर यहां पे आते हैं, ही इज यंगर, ऑफ मी, फ्रॉम मी, टू मी, फॉर मी, या नन ऑफ देम, अच्छा इसमें दूसरे भी ऑप्शंस आ सकते हैं आपके, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो ऑप्शंस आओ ना, तो जरूरी नहीं है, जो मैंने ये सारे लिखे हैं कि ये ही आपके पास ऑप्शंस आए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, हो सकता है कि दूसरे ऑप्शन हो,
लेकिन इसका जो सही जवाब है वो नन ऑफ देम होगा। अच्छा, नन ऑफ देम की जगह मैं लिख लेता हूं, ये देन इस तरह आएगा, यंगर देन। ऑफ और टू नहीं होता भाई, टू और ऑफ नहीं होता। बेसिक चीजें आप लोगों को नहीं आ रही, मैं क्या करूं अभी, मैं किसको बताऊं। यहां देख ले, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अक्यूज ऑफ मर्डर, अक्यूज ऑफ किलिंग। अच्छा, ऑफ के बाद अगर आप वर्ब डालेंगे, अगर वर्ब डालेंगे तो इंग फॉर्म में आपका आएगा, ये इंग फॉर्म में आ गया, वर्ब डालेंगे। ही इज यंगर देन अली, ही इज डिफरेंट फ्रॉम अली, ही इज ओल्डर देन अली। ठीक है, इसी तरह ये देख लें आप, ये बेसिक चीजें हैं। ऑफ और टू, हाँ बताऊंगा, अभी ये पहली क्लास है, इसको समझे। इस हफ्ते में हम जो है ना प्रेपोजिशन पे फोकस करेंगे, वो आपको सारा क्लियर कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं देन एंड देन। जी विजिटेड कराची लास्ट नाइट, ठीक है। देन देन कौन सा सही है? He visited Karachi last night, then he got back home. वो कल कराची, उसने कल विजिट किया और उसके बाद घर आ गया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये देन आएगा, ये वाला देन, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाला देन आएगा। उसके बाद he is younger his bro. अब यहाँ पे देन और नन ऑफ देन देख ले। अब यहाँ पे यंगर आ रहा है, तो यंगर हमारा जो हो इस्तेमाल होता है कंपैरिजन में होता है। वी यूज यंगर एंड एल्डर इन कंपैरिजन। ये चीजें कंपैरिजन में इस्तेमाल होती हैं भाई, नोट कर लें। एहसान साहब की वीडियो बंद नहीं हो रही, पता नहीं क्या इशू है, आवाज भी नहीं आ रहा, उसका कनेक्ट भी नहीं है। तो भाई इस तरह ना करो, अल्लाह को मानो। तो यहाँ पे आपका आएगा ये वाला देन, ठीक है। हमें एक्सप्लेन करूंगा, अभी ये हफ्ता हम चलाएंगे इस क्लास को। शी इज जूनियर कलीग फ्रॉम देन टू नन ऑफ देम, कौन सा सही? समझ आ गया अभी? तो जूनियर आपका टू लेता है, जैनम बेटा टू, जूनियर टू लेता है भाई। ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये गलतियां आप कहां से करते हैं, क्यों करते हैं, अल्लाह को मानो, ये गलतियां ना करो। फिर मुझे नहीं कहना कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, सर को पढ़ाने ही नहीं आता, मुझे तो समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, पता नहीं कौन सी चीजें। शी टू फ्रॉम ऑफ, क्या आएगा? She asked to me from me या none of them। 99% लोग जो है ये क्वेश्चंस आपका गलत लिखते हैं, 99% मैं दावा से कहता हूं ये गलती करते हैं, गलत लिखते हैं। तो she asked me, बस इसमें no preposition, कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं शी आस्क अ क्वेश्चन, तो फिर कहेंगे फ्रॉम मी, अदरवाइज शी आस्क मी अ क्वेश्चन। चले आज के लिए काफी है, मैंने आपको ये सारे कवर करा दिए हैं, ये आप जितना हजम कर सके। देखिए मेरी क्लास को हजम किया करें, इस तरह नहीं है कि बस वो सारा भर दें आप। ये कौन लकीरें मार रहा है भाई, क्या इशू है? अब आपको चलाने भी नहीं आ रहा ना जूम, अब क्या करें, किधर जाएं, किसको बताऊं मैं? तो क्लास का टाइम हो गया है, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं आपके साथ, ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके अलावा टीचिंग हो
और IBSTSO BPS 5 to 15 म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, प्रिसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर आप